हेलो हाय एवरीवन, टुडे विल चेक कैपिटल एंड गेन्स वीडियो, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक टारगेट्स, Q4 रिजल्ट। लेट्स जंप टू द वीडियो। हाय उलेक्ट्रा ग्रीनटेक, जिसने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, वो नेक्स्ट 1 ईयर में कितना ग्रो कर सकता है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में कितना ग्रो कर सकता है एंड नेक्स्ट 6 ईयर्स में कितना ग्रो कर सकता है, तो ये सब हम जानने वाले हैं अगले कुछ ही मिनटों में विद फैक्ट्स, डाटा एंड नंबर्स के साथ, सो दैट हम क्लोज टू रियलिस्टिक टारगेट्स निकाल सकें। लेकिन इस टाइम पर वीडियो लाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए हैं एंड काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कन्फ्यूजन में हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम उन रीजंस को भी फाइंड आउट कर पाएं जो कि रिस्पॉन्सिबल है खराब रिजल्ट्स के पीछे। तो कैपिटल एंड गेन प्लेटफॉर्म से मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर में कोई बिजनेस क्यों ग्रो करेगा, अगर आप उसके पीछे के फैक्ट्स एंड रीजन जानने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइबर्स, क्योंकि एक लंबे रिसर्च के बाद ही हम इस चैनल पर कोई वीडियो डालते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस के मैसिव ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंडस्ट्री ग्रोथ। तो इंडस्ट्री में ग्रोथ की बात करें तो एस्टिमेट तो 35 से 50% की CAGR के हैं अप टू 2030, लेकिन एक्चुअल में ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल 24 में 91% की ग्रोथ हुई है एंड ये एक अमेजिंग ग्रोथ है। तो इस वीडियो के लिए हमें इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट से मतलब है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक बस की सेल्स के नंबर्स देख लेते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 3516 बसेस ही बिकी हैं, जो कि बहुत ज्यादा नंबर नहीं है एंड जो टोटल पेनिट्रेशन हुआ है इलेक्ट्रिक बसेस का वो 6.1% है। इस कमजोर ग्रोथ के पीछे का जो मेजर रीजन है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा ही एंड जो दूसरा मेजर रीजन है इलेक्ट्रिक बसेस में कम ग्रोथ के पीछे वो है हाई प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस, क्योंकि ऑन द एवरेज एक इलेक्ट्रिक बस की कॉस्ट 2 करोड़ के अप्रोक्स है एंड अभी जो भी इलेक्ट्रिक बसेस बिक रही हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स खरीद रही हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में ईवी बसेस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जिसमें स्मार्ट सिटीज मिशन, PLI स्कीम एंड सबसे इम्पोर्टेंट FAME II स्कीम रही है एंड FAME II स्कीम के अंडर पर बस की सेल पर 35 से 55 लाख तक की सब्सिडी मिल रही है। FAME III के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं वो और भी काफी अग्रेसिव हैं एंड ऑफ कोर्स वो वीडियो में आगे आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में अगर हम लीडिंग 5 ई बस मैन्युफैक्चरर को देखें तो उसमें इलेक्ट्रा ग्रीनटेक आता है, उसके बाद टाटा मोटर्स आता है, उसके बाद अशोक लीलैंड आता है, JBM ऑटो आता है एंड आइशर मोटर्स आता है। तो इस कंपनी का नाम ऑलरेडी इंडिया के top 5 players में आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो खराब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी Q2 के रिजल्ट्स के बाद ही आ चुकी थी एंड यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 की गाइडेंस को कंपनी ने रिवाइज किया है। यहाँ पर पहले ये 1000 बसेस का टारगेट कर रहे थे एंड उसके बाद रिवाइज करके 750 बसेस का कर दिया गया एंड इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रिंजेंट बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स, जिसका इम्पैक्ट पूरी ईवी इंडस्ट्री पर पड़ा है एंड स्पेशली ईवी बस सेगमेंट पर पड़ा है। इन स्ट्रिंजेंट बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स के चलते कंपनी ने अपने 3 to 4 months की प्रोडक्शन एंड सेल्स को खोया है। यहाँ पर उनको टेस्टिंग कंप्लीट करनी थी एंड रिक्विजिट सर्टिफिकेशंस ऑब्टेन करनी थी एंड यही कारण है कि स्टॉक प्राइस में इसका प्रेशर हमें लास्ट के 2 to 3 months में देखने को मिल रहा था। 25 अप्रैल को जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उसके बाद हमने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी अपडेट कर दिया था कि स्टॉक प्राइस ने इस नेगेटिविटी को काफी हद तक फैक्टर इन कर लिया है एंड यही कारण है कि उसके अगले दिन की ट्रेडिंग में सिर्फ 3.4% की ही डाउनफॉल देखने को मिला। फ्रेंड्स, हमारे लिए कंसर्न की बात तब हो जाती जब से ये स्ट्रिंजेंट बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स चल रहे हैं अगर प्रमोटर्स भी इस दौरान अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर रहे होते, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स ने बिल्कुल भी अपनी शेयर होल्डिंग कम नहीं की है। इसके साथ जो बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। फ्रेंड्स, डोंट थिंक के बैटरी टेस्टिंग नॉर्म्स का इम्पैक्ट सिर्फ इलेक्ट्रा ग्रीनटेक पर ही पड़ रहा है, क्योंकि ये कंपनी चाइना से बैटरीज इंपोर्ट कर रही है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो खुद से लिथियम आयन बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। इनफैक्ट जो टाटा मोटर है इसका भी जो लीडिंग सप्लायर है फॉर लिथियम आयन बैटरीज वो है गुआशुआन हाईटेक पावर एनर्जी कॉरपोरेशन। हाँ, आज इंडिया में काफी सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेक्स अनाउंस कर रखा है। तो अब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाले सालों में कंपनी किस तरह से ग्रो कर सकती है। तो इसके लिए हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रा ग्रीनटेक की एक बस की कॉस्ट कितनी है। वैसे तो हमें पता ही है कि जो सेलिंग प्राइस है कंपनी की बसेस का वो 1.2 करोड़ से 2 करोड़ के बीच का है, लेकिन रेवेन्यू को एस्टिमेट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि कंपनी जितनी भी बसेस सेल कर रही है उसमें से कंपनी को ऑन द एवरेज रेवेन्यू कितनी मिल रही है पर बस के हिसाब से।
तो फाइनेंशियल ईयर 24 के फर्स्ट 9 मंथ्स में कंपनी ने 835 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। तो इस रेवेन्यू में इंसुलेटर सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ रहा है, इलेक्ट्रिक टिपर का कंट्रीब्यूशन 50 करोड़ रहा है एंड बाकी जो है ये सारी की सारी रेवेन्यू इलेक्ट्रिक बसेस से आई है। 835 करोड़ से अगर हम 150 करोड़ माइनस करें तो ये निकलकर आता है 685 करोड़। तो फर्स्ट 9 मंथ्स में कंपनी ने 376 बसेस सेल की हैं, तो हम क्या करेंगे जितनी रेवेन्यू है उसको डिवाइड कर देंगे 376 से, तो हमारे पास सिंगल बस से आने वाली रेवेन्यू आ जाएगी एंड वो है 1.82 करोड़। तो फ्रेंड्स फ्यूचर में हम ये मानकर चल सकते हैं कि 6% के CAGR से महंगाई दर बढ़ेगा तो बसेस की कॉस्ट थोड़ी बढ़नी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तो प्राइसेस कम भी होते हैं, इसलिए हम ना ही इन्फ्लेशन के चलते जो प्राइस हाई होगा इसको इंक्लूड कर रहे हैं एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते जो प्राइस कम होगा उसको इंक्लूड कर रहे हैं एंड हम सेम ही प्राइस को लेकर कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज़ 1.82 करोड़ फॉर सिंगल बस। तो अगले एक साल में ये कंपनी कितना ग्रो कर सकती है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक, तो उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के पास ऑर्डर्स कितने हैं। यहाँ पर कंपनी के पास 8088 बसेस के ऑर्डर्स इन हैंड हैं, तो हम इसे 8000 बसेस के ऑर्डर्स मान लेते हैं एंड मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में वो 2500 बसेस का एग्जीक्यूशन कर पाएंगे एंड जो बची हुई बसेस हैं उनका एग्जीक्यूशन वो उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी 2500 बसेस का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, हम सिर्फ 2000 नंबर्स को ही लेकर कैलकुलेशन करते हैं। तो 2000 बसेस को अगर आप पर बस की कॉस्ट से कैलकुलेट करेंगे यानी कि 1.82 करोड़, तो वो निकलकर आती है 3640 करोड़। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने इंसुलेटर बिजनेस को कंसीडर नहीं किया है, ई टिपर से मिलने वाले बिजनेस को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि एज ऑफ डेट 20 ई टिपर के लिए नेगोशिएशन एडवांस स्टेज पर है एंड फ्यूचर में ई टिपर से रिलेटेड कुछ और ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। इनफैक्ट हम कंजर्वेटिव टारगेट्स के लिए ये जो 3640 का नंबर है इसे घटाकर 3500 कर लेते हैं, तो हमने कर लिया है 3500। तो फाइनेंशियली 24 के अगर रेवेन्यू से इसे कंपेयर करें तो ये 3 टाइम्स से ज्यादा की ग्रोथ है। तो अगले एक साल में नेट प्रॉफिट्स कैसे हो सकते हैं उसे हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो टोटल नेट प्रॉफिट्स बनाए हैं वो बनाए हैं 79 करोड़ के एंड जो सेल्स हुई थी उसको हम डिवाइड कर लेते हैं एंड वो है 1154 एंड इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आ जाएंगे जो कि 6.84 है, जिन्हें आप 7% मानकर चल सकते हैं। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने 3500 की सेल्स को कंसीडर किया है, इसका अगर आप 7% निकालेंगे तो वो निकल कर आता है 245 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 24 के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो अगेन ये 3 टाइम्स से ज्यादा की ही ग्रोथ है। तो स्टॉक प्राइस में कैसी ग्रोथ हो सकती है, तो वो हमें ऐसा ही देखने को मिलता है कि जितनी कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में ग्रोथ होती है उससे थोड़ा ज्यादा या उसके बराबर ही स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ होती है। तो यहाँ हमें प्राइस टू अर्निंग में किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया है क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2-3 साल तक ईवी इंडस्ट्री इसी तरह से लुक्रेटिव रहने वाली है। इसके साथ जो दो और फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है वो ये कि आज कंपनी जो भी प्रोडक्शन करती है उसका प्रेमिसेस जो है वो लीज पर लिया गया है एंड ऑफकोर्स इसके लिए कंपनी कुछ ना कुछ पे भी करती है। लेकिन यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कंपनी एक ग्रीनफील्ड कैपेक्स कर रही है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5000 बसेस की होगी एंड जिसे स्केल किया जा सकता है अप टू 10000 बसेस एंड ये रेडी कब तक हो रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस साल के जून या जुलाई में ये फैसिलिटी बनकर रेडी हो जाएगी, यहाँ पर 5000 बसेस का प्रोडक्शन किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये जो 5000 नंबर है ये सिंगल शिफ्ट का नंबर है, अगर डबल शिफ्ट में काम किया जाएगा तो ये नंबर बढ़कर 10000 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब प्रोडक्शन नई फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो आज जो पैसा लीज पर खर्च किया जा रहा है उसे भी बचाया जाएगा एंड दूसरा फैक्टर जिसे हमने इंक्लूड नहीं किया है वो ये कि जब भी कंपनी की किसी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होता है तो उसके साथ मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है जिसे AMC कहा जाता है यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड ये कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट 12 इयर्स के लिए चलता है। तो मींस हर ऑर्डर के एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट 12 इयर्स के लिए कंपनी के पास मेंटेनेंस से भी रेवेन्यू आती रहेगी। उसके बाद एक और पॉइंट जिसे हमने इंक्लूड नहीं किया है वो ये कि प्राइवेट प्लेयर से जो छोटे ऑर्डर्स मिल रहे हैं उन्हें भी इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि फ्रेश बस के साथ कंपनी का टाई अप हो रखा है फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक बसेस। तो अगले एक साल के टारगेट को हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, यहाँ पर हमने 2000 बसेस को कंसीडर किया था जबकि मैनेजमेंट जो टारगेट
कर रही थी वो 2500 बसेस का टारगेट कर रही थी। जैसा कि मैनेजमेंट ने यहां पर बताया ही है, जो बची हुई बसेस का ऑर्डर है वो उससे अगले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एग्जीक्यूट किया जाएगा। एंड बची हुई बसेस का जो नंबर बनता है वो बनता है 5500, क्योंकि जो टोटल बसेस का ऑर्डर बुक है वो 8000 बसेस का है। तो कंजर्वेटिव टारगेट के लिए हम मान लेते हैं कि मैनेजमेंट 5500 बसेस के टारगेट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, बल्कि सिर्फ 5000 बसेस के टारगेट को ही एग्जीक्यूट कर पाएगी। तो अगर हम सिंगल बस की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके देखें जो कि 1.82 करोड़ है, तो रेवेन्यू निकलकर आती है 9100 करोड़। अगेन टिपर एंड इंसुलेटर बिजनेस को कैटर नहीं किया गया है। एंड ओवर कंजर्वेटिव टारगेट्स के लिए हम 9100 करोड़ की फिगर को कम करके 9000 करोड़ की फिगर को ले लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में ये कितनी ग्रोथ है? अप्रॉक्सिमेटली 8.5 टाइम्स। जब रेवेन्यू में 8.5 टाइम्स की ग्रोथ हुई है, ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट्स में भी इतनी ही ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि निकलकर आता है 630 करोड़। तो एज पर ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस तो कंपनी को 8 टाइम्स तक ग्रो करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला पाएं। तो अब हम नेक्स्ट 6 ईयर्स के टारगेट को निकालने वाले हैं, दैट इज बाई एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 30 कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए। उसमें फर्स्ट ये है कि जो बेस्ट कॉरपोरेशन है यानी कि बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, 3000 बसेस के लिए कंपनी L1 बिडर है यानी कि लोएस्ट एवर बिडर है, तो ये ऑर्डर कंपनी के पास आ सकता है। उसके बाद पुणे की एक कॉरपोरेशन के लिए 300 बसेस के लिए कंपनी L1 बिडर है यानी कि लोएस्ट बिडर है, तो ये 300 बसेस का ऑर्डर भी कंपनी के पास आ सकता है। उसके बाद फेम 3 में गवर्नमेंट काफी एंबिशियस टारगेट लेकर चल रही है, यहां पर 800,000 डीजल बसेस को रिप्लेस करना है विद इलेक्ट्रिक बसेस, एंड दैट इज बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 30। तो कंपनी के खाते में आने वाले कुछ ही सालों में कितनी बसेस के ऑर्डर आ सकते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। एंड ये मैनेजमेंट ने नहीं बताया है। यहां पर कंपनी का एक बड़ा इन्वेस्टर्स कंपनी की मैनेजमेंट से क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम टॉप 5 प्लेयर्स में हैं एंड हम अपना कंट्रीब्यूशन 20% के अराउंड रखना चाहते हैं ईवी इंडस्ट्री में, तो आने वाले कुछ ही सालों में हमें 30,000 से 40,000 बसेस की डिलीवरी कैपेसिटी चाहिए, वो भी पर ईयर के हिसाब से। ऑफकोर्स मैनेजमेंट ने भी इसका आंसर किया है। यहां पर मैनेजमेंट बताती है कि वो अपनी कैपेसिटी को ऑलरेडी 5000 बसेस तक पहुंचा चुके हैं एंड सेकंड फेज में ये कैपेसिटी 10,000 बसेस पर पहुंचने वाली है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी वो वैसे वैसे कैपेसिटी का एक्सपेंशन करते जाएंगे। तो एज पर दिस इन्वेस्टर एंड द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हम मान के चलते हैं कि कंपनी 40,000 नहीं 30,000 नहीं अगर 20,000 बसेस की मैन्युफैक्चरिंग भी कर पाती है आने वाले 6 सालों में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पर बस की कॉस्ट से, दैट इज 1.82 करोड़ से, तो ये निकलकर आता है 36,400 करोड़। अगेन टिपर बिजनेस एंड इंसुलेटर बिजनेस नॉट इंक्लूडेड, एंड ओवर कंजर्वेटिव टारगेट के लिए इसे हम 35,000 करोड़ कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में ये ग्रोथ बनती है 30 टाइम्स की। एंड नेट प्रॉफिट्स कितने बन सकते हैं? एंड बोर्ड निकलकर आता है 2,450 करोड़। ऑफ कोर्स ये भी फाइनेंशियल ईयर 24 के नेट प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में 30 टाइम्स से ज्यादा की ग्रोथ है। अगले 6 सालों में कंपनी को प्राइस टू अर्निंग कैसे मिलेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि कंपनी का स्टॉक प्राइस कितना ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, एज एन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हम कुछ बड़ी गलतियां कर सकते हैं। तो यहां अगर हमें 10